आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि दिल्ली में सर्दियाँ आ चुकी हैं, विंटर आ गया है काफ़ी, मेरे कपड़े भी देख के पता चल गया होगा। तो लाइक अ स्नो मिस्टी तो एकदम खुश हैं, वो लोग आराम से रहते हैं, लेकिन बेटी के पपीज़ को मैंने देखा कल रात को ऐसे कांप रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनके लिए छोटा सा, जब तक वो अडॉप्ट नहीं होते उनके लिए छोटा सा स्वेटर टाइप्स कुछ तो बना के हम पहना सकते हैं उनको। तो मैंने अपनी पुरानी सॉक्स निकाली है, ये मेरी तीन बच्चे हैं ना, तो तीन सॉक्स निकाली है मैंने, और हम थोड़ा सा क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं। सॉक्स को मैं काट के देखता हूँ, स्वेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को आता नहीं है ये सब, मैं बस एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग हंसना मत ज़्यादा मेरे को ऐसे करते हुए देखते हुए। चलो फिर बेटी के बच्चों को लेके आते हैं और पहनाते हैं उनको नए उनके सॉक्स स्वेटर। तो स्वेटर बनाने की सामग्री मैं डाल रहा हूँ अपने पाउच में, अपने स्वेट शर्ट के पाउच में, और ये आ गए, तीनों के तीनों आ चुके। ओ हीरोस, लेट्स गो, मैं पार्क में ले जाऊंगा, पार्क में ले जाके बनाते तुम्हारे स्वेटर। इधर इधर आ जाओ, एक दो, और तू भी आ तीन। चल बेटी को कोई चिंता ही नहीं है, वहाँ खड़े होकर देख रहे, ले जाओ। इस पार्क में आ गए, यहाँ पे इनको छोड़ दो। देखना यार कैसे अभी भी कांप रहे, देखो थोड़ा कांपते हुए मेरे को फील हो रहा है हाथ में अपने। आप बैठो इधर, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूँ। कैसे दादी अम्मा जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। बैठो बेटा, मैं आपके लिए स्वेटर बुनूं। पहले सफेद स्वेटर, दीपक को थोड़ी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग कैमरा यहाँ पे रख देते हैं और दीपक मेरी मदद करेगा। रखो यार कैमरा। तो बेटी परेशान हो गई थी कि इसके पपी अचानक से कहाँ भाग गए, तो बेटी भी आ गई है पार्क में। चलो शुरू करते हैं इनका स्वेटर बनाने का प्रोसेस। यहाँ से काटते, इधर से पकड़ दीपक टाइट। क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? यहाँ से इनका सर निकलेगा, है ना? तो देखो बेटी भी है, बेटी अलग ही है। रुक जाओ, अभी बेटी वहां से बुलाएगी, देखना इनको, देखो देखो, अब वहां से बुलाएगी, ये लोग भागेंगे यार सारे के सारे। रुक जाओ, नहीं जाना अभी, प्लीज दर प्लीज एक जगह रुक जाओ प्लीज। तो देखना ना वो अंदर आ रही है, ना वो बाहर चैन से खड़े हो रही है, और तुम लोग भाग लो। रुक जाओ बेटी, अंदर आ जाओ। ये नहीं बनाने देंगे मेरे को स्वेटर, सॉक स्वेटर, सॉक स्वेटर। बीच बात में छोड़ दिए, बनाते हैं। अब यहाँ से निकलेगा इनका सर। उंगली मेरी? नहीं नहीं मारना भाई, सब घूम ही रहे ना। यो ये देखो कैसे घूम रहे सब इधर। तो यहाँ से निकलेगा इसका सर, अब इनका हाथ निकल, हाथ निकालने की जगह बनानी है हमको। बेटी मत करो यार तुम इधर सर्कस, ये देखना इसको, देखना इसको कहाँ चढ़ के खड़ी हुई।
परेशान करेगी बच्चों को। चलो कोई नहीं, जल्दी से हाथ बना, हाथ बना देते हैं एक का, या बनाते हैं हाथ। दूसरा हाथ निकलेगा यहाँ से और बच्चे भाग गए। प्लीज 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 नहीं जाना, अभी नहीं भाग। चलो चलो चलो, अलग ही हो सबके सब, बेटी के बच्चे ना सब एक नंबर के लफंटर। किसकी सॉक्स बन गई, इसको बहुत जल्दी हो रही है ना, इसको पहना देते हैं। तो एक वाइट वाली तो बन गई है, पहना के देखते हैं। बेटी के बच्चे पहनेंगे स्वेटर। भाई मेरे को नहीं पता सही से बनाया मैंने या नहीं, देखते हैं। क्या हो गया बच्चा? एक जगह से हाथ। ओए होए होए होए, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो ऐसे। मेरा दूसरा छेद। मार दो मार दो। वही तो बहुत स्टाइलिश है। ठड़े टंटड़े, ये तो सक्सेसफुल है। शो कर, ये तो सक्सेसफुल। टन 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 टन। मॉडल को देखो, फोटो ले लेते हैं, चलो हैं, एक फोटो ले लेते हैं। सामने देखो, सामने देखो, ऐसे भी ले लेते हैं। चलो गुड बॉय, थोड़ा सा गला गला ऐसा कर। यस गुड बॉय। चलो बाकियों को पकड़ते। एक तो गायब हो गया, बाहर भाग गया। चलो जाओ। वो बेटी के तीनों बच्चे पास छोड़ के भाग चुके हैं। पता नहीं ऐसा क्या जुल्म जुल्म ढा रहा था मैं उनके ऊपर। कोई नहीं, मैं स्वेटर बनाना कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद जाके फिर से पकड़ के लाएंगे इनको। हाथ बनाते। अब देखो ये डिज़ाइन काटने का एक रीज़न है, क्योंकि ना नीचे से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, नीचे से थोड़ा छोटा होना चाहिए, ऊपर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनकी बैक कवर होनी चाहिए नीचे। तो यहाँ पे तो उनका प्राइवेट पार्ट होता है ना, जहाँ से वो लोग सुसुपट्टी करते हैं, तो इसलिए नीचे से थोड़ा छोटा होना चाहिए, ऊपर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे स्वेटर्स में, अपने डॉग्स के स्वेटर्स में ये पैटर्न नोटिस किया है। दूसरा स्वेटर तैयार है। तीसरे स्वेटर
ये ना सब पहली बार कर रहा हूँ, मुझे ना पता नहीं है कैसे करते हैं ये सब। मैंने अभी तक कभी ऐसा सच किया नहीं है, तो आई होप इनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। मैं बस इनके यार अच्छा नहीं लग रहा था यार, ये लोग ना ठंड में ऐसे कपकपा रहे थे, तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने कपड़े दूँ, फिर मैं अपने पुराने कपड़े कैसे ही दूँ ना, मेरे पुराने कपड़े इनके लिए कितने बड़े हो जाएंगे, मेरे बेचारे बड़े बड़े जर्मन शेपर्ड हस्की लोग भी नहीं पहन पाते, ये तो छोटे छोटे इतने से। मैंने कहा ये पुराने कपड़े देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो मेरे पैर भी बड़े ही हैं, मेरे सॉक्स काफ़ी होंगे इसके लिए, इसलिए सॉक्स। इसके लिए एक ही हाथ बना दे, एक हाथ में घूमेगा। तो ये तैयार हो गया हमारे तीनों स्वेटर, एक तो हमने पहना दिया, बाकी ये दो स्वेटर तैयार हो गए। ये तो ऐसे पपेट जैसा लग रहा है। हेलो टाटा 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 टाटा, क्या है सर टाटा टाटा, क्या ही कर रहा हूँ मैं। चलो उठा के लाते हैं एक को, एक को उठा के लेके आते हैं, उसको स्वेटर पे लाते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। चलो लेके आते हैं। तो ये दोनों भगोड़े आ गए मेरे पास, ये थोड़ा सा मोटा, ये थोड़ा पतला है, इसको थोड़ा पतले वाले को थोड़ा मोटा कपड़ा पहनाते हैं। शांति से अगर बैठ जाओ, देखो कैसे काँप रहा है, दिख रहा है आप लोगों को काँपते हुए बेचारा बच्चा, देखो वो भागने की फिराक में वहाँ से। स्वेटर पहनेंगे, वो भाग गया, इतनी देर में भाग गया, ये देखना इसको। ओ हीरोइन, हीरोइन लग रहा है, हीरोइन क्यों रो रहे हो तुम, ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, अरे क्यों रो रहे हो, ये परी हूं मैं, लगता है मेरे को और बड़ी सॉक्स लेके आनी चाहिए थी इनके लिए। चलो आज के एक दो दिन का तो काम हो ही जाएगा, इससे जाके मार्केट्स में फिर बड़ी सॉक्स लेके आता हूँ, जिससे हो जाए इनका काम। क्या बात है, क्या क्या बात है, हैं हम तो मिलान फैशन वीक में जा सकते हैं, हैं हम तो स्मार्ट लग रहे हैं। खुद से चल के जाओगे या तुमको ड्रॉप किया जाए, खुद से चल के चले जाओ, जाओ 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 जाओ, भागो 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 भागो। चलो तीसरे को लेके आते हैं। हो देखना इस वाले को गुस्सा आ गया कि इसको स्वेटर नहीं पहनाया अभी तक, भाई का स्वेटर फाड़ने में लगा हुआ है। छोड़ दे भाई मत फाड़, तेरे को भी पहनाने के लिए आया हूँ मैं अभी। भाग आओ तुम, भागो भागो, स्वेटर नहीं पहनना तुमको, नहीं पहनना स्वेटर, स्वेटर नहीं पहनना तुम, ठंड में कब कब आओगे तुम, फिर रोना। आप पहनोगे ग्रे वाला स्वेटर, ये नहीं रोया इतना अच्छा बच्चा, कौन है कौन है अच्छा बच्चा, इतने भी नहीं अच्छे बच्चे होते, हाथ दे दो अपना चुपचाप।
कितना खिलाती है तुम्हारी माँ तुमको है? देखना तोंद नहीं बनी हुई तोंद। तो ये हो गया तीसरा। यो यो है तो अच्छा अच्छा बिल्कुल नहीं रोया चल कहा है तुम्हारे बाकी सबको पकड़ के लाता हूँ मैं। कैसा स्मार्ट से लग रहा है तीनों देख। बेटी हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रही है। तेरे को पहनना है? तेरे को ठंड लगती है? तेरे को हम कल पहना दो। अच्छा सर तो सही है, हमने बना दिए बेटी के बच्चों के लिए स्वेटर्स। अब होपफुली ये लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी बड़े भी हो जाएंगे, तो ये स्वेटर तो बहुत जल्दी छोटा पड़ने वाला है। मेरे को लगता है 2-3 दिन में काटना पड़ जाएगा ये स्वेटर इनके ऊपर से। अगर आप लोगों के घर के पास ऐसे पपीज़ हैं, स्ट्रे पपीज़ हैं, तो आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं। आप भी अपने पुराने सॉक्स को ऐसे काट के, आपने देख लिया कितना ही सिंपल है, ऐसे काट के आप भी पपीज़ को पहना सकते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली की विंटर्स या जनरली विंटर्स कितने ज़्यादा डेडली होते हैं, बेरहम होते हैं, इंसान मर जाते हैं, डॉग्स भी बहुत सारे मर जाते हैं। तो इफ़ यू कैन देन यू शुड गो आउट एंड हेल्प। ठीक है, सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।